नमस्कार मेरे स्वाद के मित्रों, आज हम बनाने जा रहे हैं उपमा। लेकिन ये जो उपमा की रेसिपी है ये मेरी फेवरेट है और मैं ऐसे ही अपने लिए बनाता हूँ। थोड़ा सा ट्विस्ट है, मज़ेदार है, एक बार जरूर देखना, आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए मिलकर बनाते हैं। उपमा बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ बीन्स का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर छोटी सी शिमला मिर्च, छोटा सा गाजर का टुकड़ा और पत्ता गोभी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पत्ता गोभी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन इसमें हरी पत्ती जो होती है ना, हरा वाला पार्ट, वो इस्तेमाल नहीं करना है। और कुछ हरे मटर। बीन्स को हम बारीक काटेंगे। इसके अंदर छोटी सी गाजर है, लाल लाल गाजर लेनी चाहिए। इसके अंदर मिठास होती है, अच्छी मिठास की वजह से गाजर अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा मोटी ना ले, अगर मोटी होती है उसके अंदर वाइट पार्ट होता है, उसके अंदर फीकापन होता है। इसको भी हम चॉप कर लेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे इसको, जल्दी पक जाए। इस तरह से कटिंग करनी है हमको सब्जियों की। ये छोटी सी शिमला मिर्च है हरी वाली, आप चाहें तो लाल पीली भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। इसको भी हम डाइस में काट लेंगे। सब्जियाँ जितनी होती है ना, उतना मज़ा आता है इसको खाने में, थोड़ा सॉफ्टनेस लगती है। अगर आप पत्ता गोभी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक बार करके देखना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। ये हल्की सी क्रंची भी हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालना है इसको, हल्का सा एक टुकड़ा मैंने डाला है। यहाँ पे एक कढ़ाई लिए और इसमें डाल रहे हैं हम 2 बड़े चम्मच तेल के। तेल यहाँ पे गर्म हो गया, तो सबसे पहले 1 छोटा चम्मच हमने यहाँ पे सरसों के दाने डाल दिए हैं। इनको हल्का सा चटकने देंगे। जैसे ही सरसों के दाने चटकने लग जाएं, तो 1 छोटा चम्मच हमने यहाँ पे चने की दाल, ये सूखी चने की दाल है, गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर दें यहाँ पे। 1 छोटी चम्मच उड़द की दाल, ये भी सूखी उड़द की दाल है, लो फ्लेम पे इनको फ्राई कर लेंगे यहाँ पे। इनको जलाना नहीं है बिल्कुल भी। इसी बीच में थोड़ा सा करी पत्ता, 1/2 छोटी चम्मच हींग। देखिए हल्का सा कलर आ गया दाल के अंदर, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं की जाती दाल को, फिर वो कड़क हो जाती है खाने में। बस कच्चापन निकलना चाहिए दाल का, और जब भी दाल को पकाया जाता है हमेशा लो फ्लेम पे पकाया जाता है। और अब डालेंगे हम इसके अंदर 1 कटोरी सूजी। आप किसी भी कटोरी कप से नाप सकते हैं, जिस कटोरी कप से आप नाप रहे हैं उसी हिसाब से आपको पानी भी डालना है। सूजी हमने नॉर्मल वाली ली है, बारीक वाली सूजी, बहुत ज़्यादा मोटी वाली सूजी का इस्तेमाल ना करें इसके अंदर। अब बिल्कुल लो फ्लेम पे या फिर मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको लगातार चलाते हुए भूनना है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसका भूनना। अगर आप गैस की फ्लेम को तेज करके इसको फटाफट से भून लेंगे तो कच्चापन से रहेगा, मज़ा नहीं आएगा, इसका दाना नहीं खिलेगा। तो दाना खिलने के लिए इसकी भुनाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहाँ पे सूजी भुन चुकी है, लगभग 12 से 15 मिनट लगे हैं, इतना वक्त लगता है इसको भूनने में। और कैसे पता लगाएं ये हुआ है या नहीं हुआ है? एक तो हल्का सा कलर चेंज होगा इसका, लगभग 12 से 15 मिनट लगेंगे, और साथ में हल्का सा बिखरेगा। ये पहले क्या था, चिपका चिपका सा था, और अब बिखर रहा है। तो अब एक बर्तन में खाली कर लेते हैं। ये एक तरह का प्री मिक्स तैयार हो गया आपका। अगर आप इस तरह से सूजी भून के रख लें पहले से, तो आप बना सकते हैं कभी भी इंस्टेंट। जैसे मार्केट में मिलता है ना, यही तो मिलती है आपको सूजी भुनी हुई, उसमें थोड़ी सी डिहाइड्रेट करके सब्जियां डाल देते हैं, तो उपमा का पैकेट बन जाता है आपका। उपमा का पैकेट बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, रेडीमेड घर पे भी आप तैयार कर सकते हैं। इसको आप जार में रखिए और कम से कम 15 से 20 दिन तो बाहर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फ्रिज में रखना चाहते हैं तो लगभग 1 महीने तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। अब उसी कढ़ाई में हम यहाँ पे 2 बड़े चम्मच तेल डालते हैं सब्जियों के लिए। यहाँ पे आप गैस की फ्लेम को तेज कर सकते हैं और हाई फ्लेम पे सभी चीज़ों को भून सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने एक प्याज डाल दिया है यहाँ पे, और प्याज के साथ साथ मैं यहाँ पे 1 इंच अदरक का टुकड़ा चॉप करके, 2 हरी मिर्च, और इनको हल्का सा सौते कर लेंगे। किसी भी चीज़ को ब्राउन नहीं करना है यहाँ पे, प्याज का हल्का कच्चापन रहना चाहिए इसके अंदर। अनियन हल्के से यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं, तो सबसे पहले तो मैं मटर डाल देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मटर को पकाना बहुत ज़रूरी है। ये 1/4 कप मटर है। सब्जी अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, वैसे जितनी सब्जियाँ रहेंगी उतनी बढ़िया रहेंगी। देखिए यहाँ पे प्याज भी भून रहा है और जो मटर हमने डाले थे वो भी पक रहे हैं। यहाँ पे हल्की हल्की सी सफ़ेदी दिखाई देने लग गई है, पूरी तरह से मटर नहीं पका है अभी भी। उसी बीच में हम यहाँ पे गाजर भी डाल देंगे, क्योंकि गाजर और बीन्स को थोड़ा सा वक्त लगता है। पहले तो गाजर डाल देते हैं इसको, बीन्स बाद में डालेंगे। अब क्या हो रहा है, सभी चीज़ें पक रही हैं एक साथ में, बैलेंस हो रहा है यहाँ पे, कोई भी चीज़ ज़्यादा और कोई भी चीज़ कम नहीं पकेगी यहाँ पे। मटर भी पूरी तरह से पक चुकी है, सफ़ेदी आ चुकी है, गाजर भी पक चुकी है। मुश्किल से हमने यहाँ पे 2 मिनट और पकाया है। अब ये जो सब्जियाँ हैं ये एक साथ डाल देंगे, जिसमें बीन्स हो गई, कैबेज हो गई, और साथ में ये थोड़ी सी शिमला मिर्च। रेडीमेड पैकेट के अंदर जो प्रीमिक्स मिलता है उसके अंदर गाजर, मटर और बीन्स होती है, जिसको डिहाइड्रेट करके डाला जाता है। आप चाहें तो ओवन के अंदर डिहाइड्रेट कर सकते हैं इसको। 60 डिग्री टेम्परेचर पे आपको सारी सब्जियों को डिहाइड्रेट करने के लिए OTG में रखना होगा, लगभग आधा सा पौन घंटे के बीच में आराम से बढ़िया से डिहाइड्रेट हो जाएंगी। लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है, घर पे बनाएंगे तो फ्रेश बना के खाइए, आपको कौन सा बेचना है। अब इनको सौते कर लेंगे हाई फ्लेम पे, फ्लेम को मैंने कम एक बार भी नहीं किया है। और यहाँ पे सारी सब्जियाँ अच्छी तरह से सौते हो चुकी हैं, पक चुकी हैं। तो आज हमारे उपमा को मैं ट्विस्ट दे रहा हूँ, ये मेरा फेवरेट है, मैं अच्छी तरह से बनाता हूँ अपने लिए घर पे। 1 बड़ा चम्मच सांभर मसाला, जी हाँ, सांभर मसाला डाल के देखना एक बार, बहुत मज़ा आता है, यकीन मानिए आप, आपका जायका ही चेंज हो जाएगा। और जब जायका चेंज होता है तो मज़ा ही आ जाता है।
हल्का सा भुनेंगे इसको, और कोई मसाले ऐड नहीं करेंगे इसके अंदर, बस एक बड़ा चम्मच आप सांभर मसाला डाल दीजिए बस। अब पानी डालना है नाप के उसी कटोरी से जिस कटोरी से हमने सूजी डाली थी, तीन गुना मतलब तीन कटोरी पानी हमने यहाँ पे गर्म पानी डाला था, तो बहुत जल्दी उबाल भी आ चुका है, कलर बहुत प्यारा हो गया इसका, वैसे तो वाइट कलर होता है बिल्कुल, किसी तरह के मसाले नहीं डलते इसके अंदर। थोड़ी सी काली मिर्च मैं ऐड करूँगा यहाँ पे, आधी छोटी चम्मच, और काली मिर्च हमेशा फ्रेश कूट के डालें, खुशबू बरकरार रहती है। ये गया स्वाद अनुसार नमक, पानी में प्रॉपर उबाल आ चुका है यहाँ पे, सारी सब्जियाँ ऑलरेडी पकी हुई थी तो पकाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। एक बार टेस्ट करके ज़रूर देखें कि नमक कितना कम है ज़्यादा है, क्योंकि यहीं पे आप नमक डाल सकते हैं, बाद में नहीं डाल सकते हैं। नमक मुझे परफेक्ट लगा इसके अंदर बिल्कुल। अब उबलते हुए पानी में जो हमने सूजी भून के रखी थी प्रीमिक्स, वो ऐड कर देंगे यहाँ पे। और जैसे ही आपने ऐड किया तुरंत उसको स्टर करना स्टार्ट कर दीजिए। सूजी डालने के बाद मुश्किल से 2 मिनट चलाया और ये देखिए एक खिला खिला सा यहाँ पे उपमा तैयार भी हो चुका है। गैस की फ्लेम को कम रखेंगे यहाँ पे बिल्कुल, आप चाहें तो इसको कवर कर सकते हैं, वैसे पूरी तरह से पक चुका है ये देखिए अभी दाना खिल रहा है यहाँ पे। अब इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाएंगे इसको, इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए, उसके बाद इसको सर्व कर लेंगे। लास्ट में हम यहाँ पे थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, एक छोटा चम्मच, और ये गया धनिया श्रद्धानुसार। लास्ट में घी डालने से बहुत ही मुलायम बन जाता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इस तरह का बना के देखिए मज़ा क्यों नहीं आएगा, 100% मज़ा आएगा। खिला खिला है, मसालेदार है, सांभर के मसाले का बहुत ही गजब टेस्ट आ रहा है, और जो लास्ट में हमने घी डाला ना उससे इसका टेस्ट डबल हो गया बस। और ये लीजिए, ये तैयार हो गया एक शानदार वाला उपमा।